जिक्र कर रहे हैं महादेव का मुकदमा। जी हाँ, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज से सुनवाई प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। ऐसे में 2 बजे आपको बता दें कि जिला कोर्ट में जो है सुनवाई होगी और लगातार इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे आकाश का, हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि आज एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई प्रक्रिया जो है शुरू हो रही है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? देखिए, लगभग 1 महीने 3 दिन बाद आज फिर फैसला हो रहा है कि पिछले दिनों ग्रीष्मकालीन छुट्टी था जिसलिए कोर्ट बंद था। हालांकि कोर्ट ने 30 तारीख को 4 जुलाई की तारीख रखी थी, आज 4 जुलाई है। आज 2 बजे के बाद वाराणसी के जिला न्यायालय में दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दोनों पक्ष जाएंगे। हालांकि 7-11 पे मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे, मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेंगे। मुस्लिम पक्ष का बार बार कहना है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन है। तो आज जो है वो अगली जो अपना उनका कालम है, हालांकि 32 लाइन तक उन्होंने पिछले 2 तारीखों में अपनी आपत्ति दर्ज करा दिया, बाकी जो 20-22 लाइन है वो आज दर्ज कराएंगे। तो जो सुनवाई होगी वो 2 बजे के बाद होगी। हालांकि मुस्लिम हिंदू पक्ष के लोगों का बार बार कहना है कि जो आज आजादी से पहले भी सिंगार गौरी की पूजा होता था तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है। तो जिस तरीके से बनारस में सुनवाई चल रहा है तो ज्ञानवापी की देख ले या फिर बनारस कोर्ट कचहरी देख ले, चारों सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आज का फैसला, आज की सुनवाई बेहद अहम है। काशी ही नहीं, पूरे देश की निगाहें बनारस के जिला कोर्ट न्यायालय पर है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आकाश हम अगर जिक्र करें, जब सुनवाई पिछले दिनों जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, ऐसे में 33 बिंदुओं पर जिक्र जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया, बात रखी गई, लेकिन अभी 23 बिंदु बचे हैं। ऐसे में जरा आप एक बार दर्शकों को वो जानकारी दीजिए कि वो 33 बिंदु कौन कौन से थे जिन पर बातचीत हो चुकी है और आगे जो 23 बिंदु है जिन पर बातचीत होनी है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के लोगों का बार बार कहना है, जो ज्ञानवापी परिसर है वो है मुस्लिम पक्ष का है, क्योंकि लंबे समय तक मुस्लिम पक्ष के लोगों का कब्जा रहा है इस पे, और ये जो परिसर है ये मुस्लिम पक्ष का है। हालांकि बार बार मैं बता रहा हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इस एक्ट के अनुसार जो सिंगार गौरी का मामला है, जो वीडियोग्राफी हुई है, जो सर्वे हुई है, ये इस एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। वही हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि देखिए ये जो एक्ट है इस एक्ट का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद से इस सिंगार गौरी को लेकर पूजा अर्चना चलती रही। तो इन सभी पहलुओं को लेकर आगे जो बहस होगी, आज दोनों पक्ष फिर न्यायालय में जाएंगे। इन जो अगली पहलू है, हालांकि मुस्लिम पक्ष आज ये भी बात अपनी रखेंगे कि जो सर्वे की वीडियोग्राफी है, जो फुटेज था वो बाहर कैसे आया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपनी कोर्ट से सर्वे की फुटेज और जो वीडियो है उसे प्राप्त नहीं किया था। हिंदू पक्ष के लोगों के द्वारा आवेदन करके ये फुटेज और वीडियो को प्राप्त कर लिया गया था, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। तो ये आपत्ति भी आज जिला न्यायालय में मुस्लिम पक्ष के लोग कह सकते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आकाश बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि आज 2 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आगे इस पूरे मामले को लेकर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल लगातार सुनवाई का दौर जो है अब आज से एक बार फिर से शुरू हो रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी लेकिन गर्मी की छुट्टियों की वजह से इस मामले पर सुनवाई पर रोक लगी थी। फिलहाल अब आज से एक बार फिर से सुनवाई का सिलसिला शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।